फैंस को यही कहूंगी कि आपका शिव बहुत दम लगा के खेल रहा है और बहुत दमदार खेल रहा है। डेफिनेटली एक विनर दूसरे विनर को क्या टिप देगा, वो अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर, उसने ऑलरेडी एक शो जीता है, MTV रोडीज का फाइनलिस्ट हो चुका है। अरे अर्चना को प्रोवोक करने वाला इस दुनिया में, इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जो अर्चना को प्रोवोक कर दे। ऑफ कोर्स ये बॉन्डिंग हमारी बिग बॉस के घर से ही शुरू हुई है। मैं थी सीज़न 1 की विनर और बिग बॉस सीज़न 2 का विनर था मराठी सीज़न का शिव। सो जब मैं सीज़न 2 में एज अ गेस्ट चैलेंजर कंटेस्टेंट बन के गई थी, तब मैं शिव से पहली बार मिली थी। पर एक इंस्टेंट जो होती है ना एक दूसरे के लिए लाइकिंग और वो एक बॉन्ड कि ये मेरा अपना है, वो बॉन्ड मुझ में और शिव में तैयार हुआ। फिर शिव जीते इस चीज़ के लिए मैंने तब भी बहुत यू नो इंटरव्यूज़ दिए थे, बिकॉज शिव मुझे बहुत जेन्युइन विनर उसमें नज़र आ रहा था और मुझे हमेशा से ही लगा उस सीज़न में कि उस सीज़न को जीतने का कोई हकदार है तो वो है सिर्फ शिव। तब भी मैंने शिव को सपोर्ट किया था विदाउट एनी यू नो कंडीशंस और विदाउट एनी बॉन्ड और रिलेशन। और आज शिव की बहन बनके मैं सब चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रही हूँ या सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ शिव को सपोर्ट करें, बिकॉज इस सीज़न में मैं देख रही हूँ कि शिव से बढ़कर और शिव से क्लीन गेम मुझे इस शो में किसी का नज़र नहीं आ रहा है। हम शुरू से देख रहे हैं कि कोई अपने लव एंगल्स क्रिएट कर रहा है, कोई झूठ मुठ की सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की दोस्ती क्रिएट कर रहा है, कोई शहनाज और सिद्धार्थ वाला बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों में सबसे प्योर और सबसे ओरिजिनल अगर मुझे किसी का गेम नज़र आता है और तो दैट इज़ शिव। सो आई फील कि ये शो फेक बाजी और झूठ मूठ के एंगल्स क्रिएट करके जीतने वाला शो नहीं है। ये शो आपको अपने आप को एक ओरिजिनल पर्सनालिटी के तौर पर जनता के सामने रखना है और उन्हें वो फैसला लेने का हक देना है कि एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन आप मुझ में क्या क्वालिटीज़ देखते हो। आप चाहो तो मुझे विनर बना सकते हो, आप चाहे तो मुझे घर के बाहर बुला सकते हो। सो आई फील कि शिव से ज़्यादा डिजर्विंग इस वक्त मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। डेफिनेटली एक विनर दूसरे विनर को क्या टिप देगा, वो अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर, उसने ऑलरेडी एक शो जीता है, MTV रोडीज़ का फाइनलिस्ट हो चुका है, बट एक बहन के तौर पर तो डेफिनेटली दे ही सकती हूँ। तो मैंने उससे यही कहा था, इनफैक्ट शो में जाने से पहले, शो साइन करने से पहले 2 साल पहले जब उसे पहली बार बिग बॉस ऑफर हुआ था, तब मैंने कहा था कि एज अ वाइल्ड कार्ड मत जाना, बिकॉज वाइल्ड कार्ड के साथ बहुत इनजस्टिस होता है। उसे ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं एज अ कंटेस्टेंट, ना ऑडियंस ठीक से एक्सेप्ट कर पाता है, ना कहीं उसकी ऑलरेडी वो आधा बैटल वहीं पे हार जाता है जब वो एज अ वाइल्ड कार्ड जाता है। फिर चाहे आप जितना भी एडी चोटी का जोर लगा लो, कितना भी खेलो, लोग आपको नहीं कंसिडर करते। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि शिव ऑलवेज़ एक फ्रेश कंटेस्टेंट के तौर पर जाए, डे वन से उस घर में खेले, और वो बात शिव ने लकीली वो बात एक्सेप्ट की और आज वो डे वन से अपनी धौक जमाए एकदम राजा की तरह उस घर में अपना राज कर रहा है। एंड आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिज गेम। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं भी फिर सीज़न 12 जीत के निकलती ना, क्योंकि मुझे तो गेम पता है। सीज़न, हर सीज़न का एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर सीज़न के लोग अलग होते हैं, हर सीज़न में एक अलग तरीके का कॉन्टेस्टेंट का एक ग्रुप होता है। अब इस सीज़न में देखा जाए तो देयर आर नो कॉमनर्स एज सच, मेरे सीज़न में कॉमनर्स ही कॉमनर्स थे, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी कॉमन पर्सन, बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। दो ऐसे गुट बन जाते हैं
तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे सीज़न में न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए कई लोग थे, इस सीज़न में एक ही है जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रही है और आई गेस उसे उसकी सज़ा भी मिल जाएगी, बट टाइम रहते अगर वो फिर भी संभाल लेती अपने आप को तो शायद आगे बढ़ पाए ज़िंदगी में भी और गेम में भी। पर हर सीज़न की एक अलग छाप होती है और नॉट नेसेसरी, फिर तो देखा जाए तो सीज़न वन का उसका गेम बहुत डिफरेंट था, इस सीज़न में उसका गेम डिफरेंट है बिकॉज कंटेस्टेंट अलग अलग है, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल। अरे अर्चना को प्रोवोक करने वाला इस दुनिया में इस धरती पे पैदा नहीं हुआ जो अर्चना को प्रोवोक कर दे, जो खुद ही इतनी प्रोवोक्ड है और जिसका गेम ही दूसरों को प्रोवोक करना है और फुटेज लेना है, जिसका गेम या तो फिर अदरक है या तो फिर यू नो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों से बात करना है, राशन चुराना है, उसका वो खुद इतनी प्रोवोकिंग है। और शिव का हमने आज तक देखा है गेम, कभी उसने किसी को प्रोवोक किया है नहीं किया है, इट इज़ अर्चना जो बार सुबह आपने देखा होगा झगड़े की शुरुआत कहाँ हुई है, इट वॉज अर्चना हु जम्प्ड इनटू द मैटर, जो कि शिव ने कहा कि डोंट जम्प इनटू अदर्स मैटर अननेसेसरी, उन दोनों की बात चल रही है उनको सॉर्ट आउट करने दो, तुम बीच में कहाँ से ये राजस्थान की डांसर हरियाणा की डांसर, इट इज़ अर्चना हु स्टार्टेड दिस। तो ये तो गलत बात हुई ना कि चोर मचाए शोर, खुद ही प्रोवोक करेगी, खुद ही लोगों के मैटर में खुद से आके गिरेगी और खुद ही वापस से हाथापाई भी करेगी, तो हर एंगल से देखा जाए तो अर्चना फॉल्ट में है, शिव तो कहीं से भी किसी फॉल्ट में नहीं है। अच्छा यस ऑफ कोर्स यस, नहीं दोनों बिल्कुल एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि एंड तक क्या होगा और क्या रिजल्ट निकलेगा, बट वो भी उसके भी अपने ओपिनियन से जिसे रखने का उसे पूरा हक है। प्रियंका इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो वो किसी से दबके तो ऑफकोर्स नहीं रहेगी ना, और शिव भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो भी किसी से दबके नहीं रहेगा, तो खेलो मस्त खुले में चौड़े में आके करो रण संग्राम, हम एंजॉय करेंगे एज एन ऑडियंस बाहर बैठ के और मज़ा आएगा। इनफैक्ट ऐसी दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जब एक दूसरे से क्लैश होगी तभी तो शो का मज़ा भी आएगा, और दोनों भी अपनी अपनी जगह सही खेल रहे हैं, मुझे प्रियंका का भी गेम अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट दैट शी इज़ प्लेइंग बैड, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड। अरे यार जो लोग शिव के पीठ पे चढ़ के नदी पार कर रहे हैं बिग बॉस की, वो उनका पपेट कैसे होगा? शिव किसी का पपेट नहीं हो सकता है, वो लोगों को पपेट बना सकता है, वो पपेट हो नहीं सकता, हालांकि अंकित का उल्टा हो सकता है जो कि हम खुद देख रहे हैं। तो यार मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कौन किसका पपेट है, उसको बेचारे को और चारा ही क्या है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको घर भी जाना है 2 महीने बाद, वो क्या 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 करेगा बेचारा, इज अ नाइस गाय यार, उसको ज़बरदस्ती का पपेट बोलना बंद करो, बेचारा जेन्यून सीधा साधा बंदा है, गलत जगह आके फंस गया है बस, मतलब गलत जगह मीन्स नॉट विथ प्रियंका, इन बिग बॉस हाउस। प्रियंका उसके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि जब एक नहीं बोलता है तो दूसरा उसके हिस्से का बोल के उसकी कमी पूरी कर देती है। दोस्ती है, प्योर दोस्ती है, ज़बरदस्ती का लव एंगल मत बनाओ उसे, और वो लव एंगल होगा भी नहीं, शिव का लव एंगल सिर्फ एक ही है, वो ट्रॉफी जो रखी है ना वहाँ पे, वो ट्रॉफी पे ही उसकी नज़र है, बाकी किसी लड़की पे उसकी कोई नज़र नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, वरना मैं उसको फैंस को यही कहूँगी कि आपका शिव बहुत दम लगा के खेल रहा है और बहुत दमदार खेल रहा है, तो आप सबके प्यार के और सपोर्ट की उसे ज़रूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये शो आपका है, जनता का है, सो आप जितना प्यार उसकी झोली में डालोगे उतना वो आगे बढ़ेगा, सो अगर आप उससे प्यार करते हो तो आपका प्यार और आपका आशीर्वाद वोट्स के ज़रिए उस पर बरसाइए और मेरे शिव भैया को विनर बनाइए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच. हाय गाइस, दिस इज एक्ट्रेस मेघा दाडे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.